पुलिस गिरफ्त में मूड छिपाती फिर रही ये वो शातिर विषकन्या है जो एक बार किसी पर नजर डाल देती तो उसे कंगाल करके ही छोड़ती थी और इस गुनाह में इसका साथ देते थे ये लोग। दरअसल ये सभी हनी ट्रैप गैंग के गुर्गे हैं जो इस महिला को युवक के सामने परोसते थे, फिर वीडियो बनाकर युवक को ब्लैकमेल किया जाता था। खुलासा हुआ है कि इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी में चल रहे इस गिरोह ने अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया जिसमें 1 से लेकर 7 लाख रुपए तक वसूले गए। इस टीम ने जांच करके और तमाम तरह के तफ्तीशों के आधार पर इनको आज पकड़ा है और रंगे हाथ पकड़ते हुए इनसे क्या कहते हैं मोबाइल बरामद किया है और इस व्यक्ति का स्टेटमेंट दर्ज किया है। फोन इनसे पूछताछ जब की गई है इनका ये ब्लैकमेलिंग का पूरा जो सिस्टम है वो समझ में आया है। इनके खिलाफ अभियोग भी दर्ज है। इसमें एक महिला है जिस जो औरैया की रहने वाली है तथा एक मानवीर नाम का व्यक्ति है वो भी औरैया का रहने वाला है। उसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं जिसमें किडनैपिंग से लेकर के चोरी से लेकर के और ब्लैकमेलिंग तक के मुकदमे दर्ज हैं। एक महिला है उसके खिलाफ भी 2021 में भी एक मुकदमा अजीतमल थाना जनपद औरैया में दर्ज है और 2 हमारे फ्रेंड्स कॉलोनी के लड़के हैं जो इसके साथ सामूहिक रूप से काम करते हैं जो जब इस तरह से कंप्रोमाइजिंग कंडीशन में कोई होता है तो उसके अश्लील फोटो बनाने में सहयोग करते हैं तथा उस फोटो को खींच करके वो ब्लैकमेलिंग करने वाले को सहयोग करते हैं तथा इस तरह से इन्होंने जो है कई लोगों को ब्लैकमेल किया है जो अपना नाम अभी तक हमारे सामने नहीं ला रहे हैं जानबूझ के क्योंकि उनके अस्मिता और सम्मान का विषय वस्तु होता है। बकौल पुलिस आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करते थे, शिकार को धमकी देते कि अगर पैसे नहीं दिए तो अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर देंगे। बदनामी के डर से लोग इनके झांसे में फंस जाते लेकिन इस बार ऐसा करना इन्हें भारी पड़ गया। पुलिस को इनके बारे में शिकायत मिली जिस पर कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के सदस्य को दबोचा गया। ब्यूरो रिपोर्ट नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज़।